पहला जो स्पॉट है यहाँ पेरिया कैनाल वाटरफॉल, जो मेरे बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल है। और इसके अलावा बहुत सारे स्पॉट है जो कि मुन्नार में देखने लायक है। और गाइस, जैसे ही वाटरफॉल से हम जो है सामने की तरफ देखते हैं, तो हमें एक काफ़ी खूबसूरत वादियों से भरा टी गार्डन गाइस, जिस लोकेशन पे अभी हम आ पहुँचे हैं, इस लोकेशन पे सामने में ही एक बोर्ड लगा हुआ है कि ज़्यादातर यहाँ पे फॉग रहते हैं। काफ़ी टॉप का पॉइंट है, बहुत ही ऊंचा पॉइंट है, तो यहाँ पर जो है गाइस बहुत फॉग रहता है, बहुत ही कोहरा रहता है, धुंध रहता है, तो यहाँ पे केयरफुली चलने का सलाह दिया गया है। बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर एक, और लोकेशन भी बहुत खूबसूरत सा लोकेशन है। जो है काफ़ी सारा ये स्टोन फॉलिंग एरिया है, इस जगह पे रुकना और इस जगह पे कार पार्किंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसके अलावा जो है रास्ते जो है बहुत हसीन है। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत बड़ा वाटरफॉल बनता है सामने में, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा चट्टानी एरिया है। बारिश के दिनों में दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ा फाउंटेन बनता है, जिसका जो है ना वाटर जो है नीचे की तरफ बहकर जाता है। और ये देखिए, यहाँ से देखिए काफ़ी बड़ा जो है लैंडस्केप दिख रहा है। अभी जो है यहाँ से पूरा माउंटेन व्यू दिख रहा है, यहाँ पे स्टोन के माउंटेन ऊपर में पूरी तरीके से फॉग जो है वो चल रहे हैं। और अभी जिस जगह पे पहुँचे हैं ये है टी गार्डन। टी गार्डन गाइस, यहाँ पे जो है चाय के बागान हैं, और चाय के बागान में यहाँ पे कंप्लीट फोटोग्राफी का एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, टी शॉप है जहाँ पे उन्नत किस्म के जो है यहाँ पे आप लोग जो है चाय की पत्तियाँ ले सकते हैं।
बहुत सारे होटल्स रिसॉर्ट देखने के लिए मिलते हैं। कार में आप कहीं भी पार्क नहीं कर सकते। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये अलाउ नहीं करती है, क्योंकि काफ़ी सारे एरिया जो है वहाँ लैंडस्लाइड के एरिया होते हैं, स्टोन स्लाइड के एरिया होते हैं, वहाँ पे रिस्क बन जाता है। उसके अलावा जो है अगर आप टाउन के अंदर जो है गाड़ी पार्क करते हैं, अलावा जो है रोड साइड के किनारे काफ़ी सारे यहाँ पे कुत्ते की दुकान, स्ट्रीट फूड एक्सेट्रा, लेमन जूस की दुकानें और सैलेड की दुकानें यहाँ पे सारी की सारी लगी हुई है। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे किनारे किनारे में थोड़े थोड़े डिस्टेंस में जो है बहुत प्यारे प्यारे जो है कॉटेजेस बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। टाउन में भी बहुत सारे यहाँ पे जो है गार्डन, टी के गार्डन वगैरह, ऑलमोस्ट टी की जो है पूरी तरीके से खेती की गई है। सभी तरफ जो है टी के जो गार्डन्स हैं वो सब देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी जो है हेडल पार्क जो है ये अभी क्लोजिंग टाइम है, ये जो पार्क है वो इवनिंग टाइम पर खुलता है, इस वजह से जो है अभी पार्क हम लोग नहीं जा पाएंगे। शाम को ये पार्क खुलता है और काफ़ी खूबसूरत सा पार्क है। वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन जो है एक जगह पर रेसिडेंशियल एरिया नहीं है, अलग अलग जगह पर होटल, रेसिडेंशियल एरिया सब अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं। और काफ़ी जंगल में काफ़ी ज़्यादा जो है पेड़ पौधे होने की वजह से बहुत सारे जो घर हैं वो ऐसे ही छुप जाते हैं। वाटरफॉल के नाम से इसे जाना जाता है, जैसे कि ये सामने में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक वाटरफॉल बन रहा है, बहुत प्यारा सा वाटरफॉल है। सामने आप देखिए बहुत बड़ा जो है गाइस यहाँ पे माउंटेन हमें देखने के लिए मिल रहा है, और इस तरफ अगर देखा जाए नज़ारे तो क्या ही बताऊँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा यहाँ पर भी लैंडस्केप और एक माउंटेन देखने के लिए मिल रहा है। माउंटेन भी होगा
वाली जो मुन्नार का जो एक टाउन है वहाँ पे हम आ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है एक मार्केट एरिया टाइप का है जहाँ पे सारे के सारे जो होटल्स वगैरह, बार वगैरह, बैंकेस वगैरह हैं और कैसीनो, पब एक्सेट्रा, होटल, सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे जो अवेलेबल है। करके जो है हम मुन्नार के नीचे जो है डाउन अर्थ की तरफ पहुंच चुके हैं। मुन्नार को हम लोगों ने देखा, मुन्नार के घाट देखे, टी गार्डन्स देखा, मुन्नार का टाउन देखा जो कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे जब भी आप आ रहे हैं, अगर टू व्हीलर से आ रहे हैं तो अगर सिंगल पर्सन है तो हेलमेट तो कंपलसरी है। टू पर्सन अगर आ रहे हैं तो आप लोग दोनों जो पर्सन है वो हेलमेट लगा के आइए। हेलमेट लगाने देखिए थोड़ा सा बाल जो है मेरा ख़राब हो गया है, हालांकि सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। हमारे साथ जैसे एक छोटा सा हादसा हुआ, ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं कहना चाहिए, तो हेलमेट की वजह से है बहुत ज़्यादा हमको सिक्योरिटी मिला। तो यहाँ पे हेलमेट लगा के अगर आप लोग आएंगे तो काफ़ी सेफली फील करेंगे। सो आप लोगों को गाइस ये जो ब्लॉग था वो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख कर ज़रूर बताएँ। और मुन्नार आइए, एक बार विज़िट कीजिए, बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोगों को 600 से लेकर ऊपर जितने महंगा आप लोग होटल चाहते हैं वो आपको होटल मिल जाएगा। खाने के लिए यहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आपका मिनिमम बजट से मैक्सिमम बजट तक खाना पीना ओवरऑल हो जाता है। जिप्सी में आप सफारी करना चाहते हैं तो जिप्सी सफारी कर सकते हैं। जिप्सी सफारी का प्राइस है यहाँ पे 500 से स्टार्ट होता है, जिसमें आप पर पर्सन का जिप्सी सफारी का चार्ज देकर मुन्नार के काफ़ी सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। सो गाइस यहीं पे मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे स्पॉट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।